मित्रों, आज हम कर्मकांड के बारे में चर्चा करेंगे कि जब हम पूजन करते हैं उस समय किए जाने वाले कर्मकांड कितने आवश्यक होते हैं, और यदि हम कर्मकांड करते हैं तो उनके साथ में श्रद्धा का समावेश कितना जरूरी होता है। यदि आप बगैर श्रद्धा के कोई भी कर्मकांड करते हैं तो उसका क्या परिणाम होता है। कर्मकांड सही उच्चारण में किए हुए या सिर्फ भावनात्मक तरीके से किए हुए, या कहीं गलती हो जाती है तो उसमें किस प्रकार के हमें पाप लगता है या श्राप लग जाती है या क्या दोष लगता है, इन सब चीज़ों के संदर्भ में आज हम आपसे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। यदि आप इन सब चीज़ों के बारे में जानने के इच्छुक हैं तो फिर इस वीडियो को आप जरूर शुरू से अंत तक सुने, तो आपकी आज बहुत सारी भ्रांतियों को हम दूर करने के लिए इस वीडियो के माध्यम से जा रहे हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रो, विधा या विधि क्या जरूरी है, आज हम इस संदर्भ में विस्तृत रूप से आपके लिए बताने के लिए जा रहे हैं। एकलव्य का नाम आप लोगों ने सुना होगा। एकलव्य के मन में इच्छा थी कि वो बहुत बड़ा धनुर्धर बने और ऐसी विद्या जाने जो विश्व में कोई भी न जानता हो। अब ऐसी विद्या सिवाय परमात्मा के, भगवान के कोई नहीं सिखा सकता। अब भगवान को खोजें तो खोजें कहाँ, क्योंकि भगवान तो खोजने से मिलता नहीं। तब उसने गुरु की खोज की। गुरु द्रोणाचार्य के पास में गया तो द्रोणाचार्य ने, चूंकि वो अछूत था और ये राजाओं के गुरु थे, तो इन्होंने मना कर दिया। तब एकलव्य ने क्या किया, एक मट्टी के पुतला बनाया और मट्टी के पुतला बना करके उससे धनुर्विद्या सीखी। अब आपके दिमाग में आता होगा कि मट्टी का पुतला कैसे धनुर्विद्या सिखा सकता है। उसमें उसकी श्रद्धा जुड़ी हुई थी, उसमें उसने श्रद्धा जागृत कर ली थी, तो उस मट्टी के पुतले ने वो विद्या सिखा दी जो साक्षात द्रोणाचार्य भी नहीं सिखा सकते थे। जब पांडव वन में आए तब उसने उनके कुत्ते का मुंह सिल दिया। वो बड़े आश्चर्य में हुए कि इस प्रकार की धनुर्विद्या तो स्वयं मैं नहीं जानता। पांडवों को ही बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज तक गुरुदेव ने इस प्रकार की विद्या तो हमें सिखाई नहीं। जब खोजबीन की तो उस एकलव्य का पता चला। तब उनसे उसने पूछा कि तुमने ये विद्या कहाँ से सीखी, तब उसने उस पुतले को बता दिया। सब लोग हतभ्रम रह गए, लेकिन उसमें उसकी श्रद्धा जुड़ी थी। रामकृष्ण परमहंस, जिनको की काली साक्षात थी, साक्षात उनको वो भोजन कराते थे। कैसे कराते, तो मूर्ति आज भी है क्या, आज वो भोजन करती किसी के हाथ से, नहीं करती। लेकिन उनका भाव था, उनकी श्रद्धा उसमें जुड़ी हुई थी, तो वो श्रद्धा सारे काम करा लेती थी। उसी काली ने नरेंद्र को विवेकानंद बना दिया। मीरा को किसी संत ने, किसी साधु ने लड्डू गोपाल पकड़ा दिए, बोले यही है भगवान कृष्ण। उसने उन्हीं को अपना सखा, अपना पति, अपना इष्ट, अपना देवता सब कुछ मान लिया। तो जब उसकी उसमें श्रद्धा हुई तो उसने उसको उन सारे रूपों में प्राप्त कर लिया। तो जब हम कर्मकांड करते हैं तो कर्मकांड हम सिर्फ जब नाम मात्र के लिए करते हैं तो वो कर्मकांड फलित नहीं होता है। यदि कर्मकांड
बगैर श्रद्धा के किए जाते तो कितने विद्वान पंडित हैं जिनको संस्कृत बहुत अच्छे से आती है, जो संस्कृत के बड़े ज्ञाता हैं, और जब वो किसी को मंत्र सुनाते हैं तो उनके अंदर इतना अहंकार भरा रहता है कि उनसे शुद्ध उच्चारण कोई नहीं कर सकता। तो यदि वो इतने अच्छे तरीके से उनका उच्चारण होता जिसमें किसी प्रकार की कोई भी गलती नहीं होती तो फिर वो रावण जैसी विद्या क्यों नहीं सीख पाए। वो जब शिवतांडव स्तोत्र का पाठ करते हैं जैसा कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता तो फिर वो भगवान शिव को प्रसन्न क्यों नहीं कर पाए। यदि वो कर्मकांड बहुत अच्छे तरीके से जानते, मंत्रों का उच्चारण अच्छे तरीके से जानते हैं तो फिर वो लक्ष्मी के अभाव में क्यों रहते हैं, लक्ष्मी वो प्रसन्न क्यों नहीं कर पाए, लक्ष्मी को किसी भी देवी देवता को प्रसन्न क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी श्रद्धा नहीं जुड़ी होती है। बगैर श्रद्धा के कोई भी कर्मकांड अधूरा होता है। जब तक आपकी श्रद्धा नहीं होगी तब तक आपका कर्मकांड पूर्ण नहीं होगा। बगैर श्रद्धा के आप कोई भी कर्मकांड करेंगे, कितने अच्छे उच्चारण में करेंगे, लेकिन वो चीज़ आपको फलित नहीं होगी। एक शिष्य की कहानी है कि वो अपने गुरु का पैर धो करके जल ले जाता था, वो एक एक चम्मच सबको दे देता था तो सारे मरीज ठीक हो जाते थे। एक बार गुरु बीमार हुए तो उसी जल को उसने उनको पिला दिया, वो ठीक हो गए। जब गुरु को पता चला कि मेरे पैरों के जल में इतनी शक्ति है जो मुझे मालूम ही नहीं थी और मेरा शिष्य उसका लाभ इतने दिनों से उठा रहा है, तब उन्होंने उस जल को जब स्वयं पिया कोई लाभ नहीं हुआ, दूसरों को पिलाया कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि उसमें उनकी श्रद्धा नहीं थी। लेकिन उस शिष्य की श्रद्धा थी उस जल में, तो उसकी श्रद्धा काम कर रही थी ना कि वो जल काम कर रहा था। तो जब तक आपकी श्रद्धा नहीं होगी कर्मकांड किसी प्रकार का कोई भी आप कितनी अच्छे तरीके से करें वो फलित नहीं होता है। कर्मकांड भी जरूरी है लेकिन उसके साथ में श्रद्धा होना आपका बहुत ज़्यादा जरूरी है। बगैर श्रद्धा के कोई भी कर्मकांड फलित नहीं होता है। यदि कर्मकांड बगैर श्रद्धा के फलित हो जाते तो जिनको बहुत अच्छे उच्चारण आते, जो बहुत अच्छे तरीके से संस्कृत का उच्चारण करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो उनके लिए तब तक कितने देवी देवता जो है साक्षात प्रकट हो गए होते, वो सारे देवी देवताओं को प्रसन्न कर लिए होते। लेकिन उल्टा नाम जप ही जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना, राम राम की जगह मरा मरा बोल करके भी वाल्मीकि जो है वो ब्राह्मण बन गए, ब्रह्मत्व को प्राप्त हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि उनको श्रद्धा थी कि हमारे गुरु ने हमको ये मंत्र दिया है। लेकिन क्या होता है कि हम सब जो है कर्मकांड में उलझ जाते हैं। सबसे बड़ी गलती तो हम ये करते हैं कि 99 जो है हम अपने पूजा स्थली पर भगवान इकट्ठा कर लेते हैं, इतने ढेर सारे भगवान इकट्ठा कर लेते हैं, जिसने जो बताया उसी को दूसरे दिन उसकी फ़ोटो लेकर के आ गया। किसी ने बोला काली की पूजा करो, काली की भी फोटो है, साईं बाबा की भी फोटो है, तिरुपति बालाजी की भी फोटो है, वैष्णो देवी की फोटो है, संतोषी माता की फोटो है, यानी ऐसा कोई भी देवी देवता नहीं है जिसकी फोटो हमारे पूजा स्थल पर ना हो। अब सुबह से निकलते हैं 99, 80, 90 जितने भी हमारे पास में देवी देवता हमने इकट्ठे करके रखे उतने फूल लेकर के जाते हैं। अब जब हम फूल चढ़ाते हो रेखा फूल कम गया तो बड़ा अपराध बोध हो जाता है कि अरे आज तो गणेश जी को फूल ही नहीं चढ़ा पाए, ये फूल कम गया तो बड़ी गलती हो गई, अब पता नहीं क्या होगा। इतने सारे भगवान इकट्ठे कर लिए, किसी को चंदन लगाना भूल गए, किसी का मंत्र पढ़ना भूल गए, किसी को फूल चढ़ाना भूल गए, तो तुरंत किसी पंडित को फ़ोन किया, पंडित जी आज ऐसी ऐसी गलती हो गई। अब पंडित जी ने आपको उसके दोष निवारण के लिए बहुत बड़ी विधान बता दिया, हजारों रुपये आपने खर्च किए। अब खर्च किए तो आपको संतोष हो गया कि चलो पंडित जी ने हमारी जो है जो भी पाप लगने वाला तो उससे हमको मुक्ति दिला दी। अब इस प्रकार से यदि मुक्ति मिलने लगती तो फिर तो सारे पंडित जो है वो फिर क्यों गलतियाँ करते हैं? गलतियाँ सबसे होती हैं। भगवान ये सब देखने के लिए नहीं बैठता कि आपने 21 माला का जाप किया, 31 माला का जाप किया, या 3 माला का जाप किया।
भगवान सिर्फ ये देखता है कि आप कितनी देर तक मेरे पास में श्रद्धा पूर्वक बैठे। आप एक मिनट बैठे कि पाँच मिनट बैठे कि 25 मिनट बैठे, भगवान के पास इतनी फुर्सत थोड़ी है कि आपकी काउंटिंग करेगा कि आपने 27 माला में एक मंत्र कम बोल दिया, कि आपने 27 की जगह 31 माला का जाप कर लिया, ज़्यादा जाप कर लिया गलत हो गया, या आपने 27 की जगह जो 26 माला का जाप कर लिया, या आपने 5 मंत्रों का जो है गलत उच्चारण कर दिया। तो भगवान ये सब चीज़ें काउंट कर लेकिन ही नहीं बैठा है, भगवान सिर्फ आपकी श्रद्धा को देखता है। और यदि आपकी श्रद्धा है तो फिर वो चीज़ आपको फलित होती है। हम इसी तर्क में पड़ जाते हैं। एक बार युद्ध की स्थिति आई, सैनिकों की कमी थी, सैनिकों की आवश्यकता पड़ी, तो सरकार ने जो है आनन फानन में सभी लोगों को भर्ती कर लिया। उसमें एक तर्कशील व्यक्ति भी आ गया। अब जब वो तर्कशील व्यक्ति आया तो ऑफिसर जब उनकी परेड करा रहा था तो उसने बोला कि दाएं मुड़। सारे लोग तो मुड़ गए मगर वो खड़ा रहा। जब उससे पूछा कि भाई तू क्यों नहीं मुड़ा, तो बोले मैं सोच रहा हूँ कि मुझे मुड़ना चाहिए कि नहीं मुड़ना चाहिए, पहले मैं यह तो पता कर लूँ कि मुझे मुड़ना जरूरी है कि नहीं जरूरी। वह ऑफिसर उससे कुछ दिनों में बड़ा परेशान हो गया, लेकिन निकाल भी नहीं सकते थे क्योंकि आपातकालीन स्थिति थी, दुश्मन सिर पर खड़ा हुआ है। तब उसको देखा कि चलो इसको कोई ना कोई दूसरा काम दिया जाए, तो उसको भोजनालय का काम दे दिया। तो एक दिन उसने आकर के बोला कि मटर छीनना है, इसमें बड़ी बड़ी मटर अलग रखना और छोटी मटर अलग रख देना। एक घंटे के बाद जब वो ऑफिसर आया तो उसने देखा वो सिर पकड़ करके बैठा हुआ है। बोले अब क्या हो गया भाई? बोले आपने ये तो बता दिया कि बड़ी मटर अलग रखना है, छोटी मटर अलग रखना है, लेकिन ये तो बताया नहीं कि मझोल मटर का क्या करना है। वो ऑफिसर ने अपना सिर फोड़ लिया। तो हम भी इसी प्रकार के तर्क करते रहते हैं, इन्हीं तर्कों में हम उलझे रहते हैं, इतने सारे भगवान इकट्ठे कर लेते हैं, फिर उसके पश्चात जो है हमारे अंदर कई प्रकार की भ्रांतियाँ हो जाती हैं कि आज हमने को गणेश जी की पूजा पहले करना थी, लेकिन हम गणेश जी की जगह हमने लक्ष्मी जी का मंत्र पढ़ लिया पहले, ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। अब पंडित को फोन लगा रहे हैं, पंडित जी आज बड़ी गड़बड़ हो गई, क्या हो गया भाई? अब शास्त्रों में लिखा है कि गणेश जी की पूजा पहले करना चाहिए, लेकिन हमने तो पहले लक्ष्मी जी की पूजा कर दी। अब इतने सारे भगवान हमने इकट्ठे कर लिए और उन्हीं के बीच में हमने गायत्री माता को बिठा दिया, क्योंकि कहीं सुन लिया वीडियो में कि गायत्री मंत्र बड़े जल्दी फलित होता है, तो गायत्री मंत्र फलित करने के लिए गायत्री माता की भी फोटो लेके आ गए। अब इस दुविधा में पड़े रहते, गायत्री मंत्र को कब पढ़ें, पहले गणेश जी का मंत्र बोलें कि लक्ष्मी जी का मंत्र बोलें कि गायत्री मंत्र बोलें, तो इतनी शंकाओं से हम घिरे हुए रहते हैं और उसी में हम कोई साधना कर नहीं पाते हैं। इसलिए एक को साधे सब सदे। यदि आप प्रधानमंत्री के पास में बैठे हुए हैं तो बाकी नेताओं की आपको क्या आवश्यकता है? तो इसी प्रकार से गायत्री मंत्र है, यदि आप माँ गायत्री के समीप बैठे हैं तो दूसरे देवी देवताओं की और ग्रह नक्षत्रों की आपको कोई चिंता नहीं करना चाहिए, वो सब सद जाते हैं। लेकिन हम बड़ी उलझन में पड़े रहते हैं, जिसने जो देवी देवता बताया वो हम उठा करके ले आए, और हमारी पूजा स्थली को हमने एक प्रकार से पूरा एक ऐसा कचड़ा बना कर रख लिया कि जिसमें सब प्रकार के देवी देवता वहाँ पर एकत्रित हैं। अब सभी की हम पूजन कर रहे हैं, किसी की पूजा करना भूल गए तो अपराध हो गया, किसी की पूजा करना नहीं भूले तो बड़ा मुश्किल हो गया, किसी की एक माला की जगह 2 माला जप लिया तो गड़बड़ हो गया, या किसी का मंत्र जपना भूल गए तो बड़ा गड़बड़ हो गया, तो उसी में फिर हमारा दिन निकलते चला जाता है। इसलिए किसी एक को जपें, कर्मकांड करें, कर्मकांड भी उतना ही जरूरी है जितना कि आपकी साधना जरूरी है, लेकिन कर्मकांड के साथ साथ में आपके भाव भी होना चाहिए कि आप जो कर्मकांड कर रहे हैं उसके प्रति आपका भाव क्या है। यदि आप उस भाव को नहीं करते हैं तो फिर बात दिक्कत गड़बड़ हो जाएगी। आपको मंत्र नहीं आते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ भावपूर्वक जो है भगवान को जल चढ़ा दें, भगवान को पुष्प चढ़ा दें, भगवान को चंदन लगा दें, कलश की पूजन कर दें, दीपक की पूजन कर दें, देवताओं को आपको आह्वान के मंत्र नहीं आते तो आप सिर्फ हाथ जोड़ लें और समस्त देवताओं को बोल दें कि आप हमारी पूजा स्थली पर आकर के विराजमान हो जाएं।
तो जितने भी लोगों को यदि कर्मकांड आता है और उनको महामृत्युंजय मंत्र बहुत अच्छे से पढ़ना आता है, वो बढ़िया जाप करते हैं, तो क्या उनके घर में कोई व्यक्ति बीमार हुआ उसको उन्होंने बचा लिया क्या? क्या आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार हुआ था और आपने महामृत्युंजय का मंत्र का जाप करा, क्या वो बच गया था क्या? यदि इतनी शक्ति उनमें होती तो फिर वो अपने घर के किसी हर व्यक्ति को जो अजर अमर कर लिए होते। तो कोई भी मंत्र आपको कितना आता है कितना नहीं आता है, सवाल उस चीज़ का नहीं। कर्मकांड में आपको मंत्र कितने आते कितने नहीं आते, इसका सवाल इस चीज़ का नहीं। आपकी भावना कितनी है, आपकी श्रद्धा कितनी है, यह जरूरी है। यदि आपकी श्रद्धा नहीं है और आप कितना ही अच्छा कर्मकांड कर रहे हैं तो उससे आपको कोई फल प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए पूजा स्थली पर कम से कम फोटोएँ रखें, कम से कम भगवान रखें, ज़्यादा के चक्कर में ना पड़ें, किसी एक को दो को भजें, ये सब चक्रों में ना पड़ें कि किसकी पूजा पहले करनी चाहिए किसकी पूजा बाद में करना चाहिए। इसी भ्रम में यदि आप पड़े रहेंगे तो फिर आप जो है सही तरीके से साधना नहीं कर पाएंगे। तो आशा मित्रों, हमने आपके लिए कर्मकांड के बारे में जानकारी दी कि कर्मकांड कितना जरूरी था। एकलव्य ने कोई कर्मकांड किया था? मीरा ने कोई कर्मकांड किया था? रामकृष्ण परमहंस कोई कर्मकांड करते थे क्या? लेकिन ईश्वर उन्हें साक्षात था। वो क्यों था? क्योंकि उनकी श्रद्धा उसमें थी। उन्होंने श्रद्धा में उसमें जो है माँ काली को देख लिया। मीरा ने उस मूर्ति में भगवान कृष्ण को देख लिया। एकलव्य ने उस मूर्ति में द्रोणाचार्य को देख लिया, तो वो चीज़ उन्हें फलित हो गई। तो हम फोटोएँ तो लेकर के आ गए लेकिन हमारा विश्वास ही नहीं है। हम कर्मकांड करते चले जा रहे हैं, 50 पुस्तकें पढ़ ली, 50 चीज़ें पढ़ ली और बहुत अच्छे अच्छे स्तोत्र हमने पढ़ना सीख लिया, लेकिन इसके बावजूद ही वो फलित नहीं होता है। तब फिर हमें लगता है कि हमें फलित क्यों नहीं होना। तो फिर आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि जिन लोगों को कर्मकांड बहुत अच्छा आता है उनकी घर की परिस्थितियाँ क्या हैं। जिन पंडितों ने बहुत अच्छी संस्कृत सीखी है, बहुत अच्छा कर्मकांड कराते हैं, बहुत अच्छा शिवतांडव स्तोत्र बोल लेते हैं, बहुत अच्छी जो है महामृत्युंजय मंत्र बोल लेते हैं, तो क्या उनके लिए कोई विशेष फायदा हुआ? क्या उनके लिए शिवजी प्रसन्न हुए? क्या वो रावण की स्थिति में आ गए? नहीं आए, क्योंकि उनके अंदर अहंकार है, उनके अंदर श्रद्धा नहीं है। तो जब तक आपके अंदर श्रद्धा जागृत नहीं होगी तब तक आपको कोई भी मंत्र फलित नहीं होगा, कोई भी कर्मकांड आपका सही नहीं होगा। इसलिए अपनी श्रद्धा को उसके साथ में उसका समावेश करेंगे तो फिर आपका कर्मकांड सफल होगा। आशा मित्रों, यह जानकारी आपके लिए अच्छी लगी होगी। बहुत दिनों से बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत सारी भ्रांतियाँ थीं, इसलिए फिर हमने इस वीडियो को बनाया आप सभी की भ्रांतियों को खत्म करने के लिए। आशा है आपको यह जानकारी लाभप्रद होगी। और यदि आप हमारे चैनल से नए नए जुड़े हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि नित्य हमारे आने वाले वीडियो से आपको अध्यात्म के बारे में अच्छी अच्छी जानकारियाँ प्राप्त होती रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री का सीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों को बनी रहे। आज इतना ही, नमस्कार।